खनोल से 9 किलोमीटर का सफर तय करके लगभग 20 मिनट में कुछ इस तरह के रास्तों से होते हुए हम आ पहुंचे हैं मैंद्रथ। मैंद्रथ में स्थित है बसिक महासु मंदिर। मेन रोड से ही लगा हुआ है बसिक महासु मंदिर। चार महासु देवताओं में से एक टेंपल है ये। समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह टेंपल। चारों महासु भाइयों में से सबसे बड़े हैं बसिक महासु। ऊपर की तरफ तो बना हुआ है टेंपल और नीचे पीछे की साइड में बह रही है टोंस रिवर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 130 किलोमीटर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 164 किलोमीटर और चकराता से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है यह मंदिर। दोस्तों अब हम यहां से निकलेंगे चकराता की तरफ और लगभग यहां से हमें 3 घंटे का समय लगेगा और हम चकराता पहुंच जाएंगे। यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्यूनी विलेज। त्यूनी हम विजिट करेंगे और उसके बाद चलेंगे चकराता की तरफ। यहां से व्यूज कैसे दिखाई देते हैं एक बार आप वह भी देख लीजिए, फिर हम यात्रा में आगे प्रस्थान करते हैं। 5.5 किलोमीटर का सफर तय करके हम यहां त्यूनी विलेज में आ गए हैं। इस समय हम यहां इस लोकेशन पे खड़े हुए हैं और त्यूनी विलेज देख रहे हैं। सामने की तरफ बह रही है नदी। हम इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे और चलेंगे चकराता की तरफ। यहां से चकराता 80 किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी यहां से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चकराता यहां से 35 किलोमीटर दूर है और कलसी लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम इस लोकेशन पे चल रहे हैं और यहाँ इस साइड आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों पे बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। इसका मतलब सर्दियों के मौसम में यहाँ काफी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे काफी तेजी से चल रहा है तो कुछ ही समय में रोड यहाँ के सारे काफी अच्छे हो जाएंगे। काफी हद तक तो रास्ते यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं और जो नहीं बने हुए हैं वह भी जल्द अच्छे हो जाएंगे। अब हम कुछ ही देर में कानासर पहुंचने वाले हैं। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है आई लव कोटी कानासर। सामने इस रास्ते से होते हुए हम कानासर से आगे निकल जाएंगे। हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें चकराता पहुंचना है। एक बार फिर से अच्छे रास्ते आ गए हैं और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे। देवदार के इन ऊंचे ऊंचे वृक्ष को देखते हुए सफर करने का अपना ही एक अलग आनंद है जो कि मैं आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। इसकी अनुभूति आप तभी कर पाएंगे जब आप इन रोड्स पे यात्रा करेंगे। कोटी कानासर से चकराता तक आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों अपनी इस यात्रा में हम जिन जिन जगह पर रुके हैं वहां पे होटल्स की बुकिंग हमने पहले से ही करा रखी थी, लेकिन चकराता में अभी तक हमने होटल की बुकिंग नहीं कराई है। अभी हम जब चकराता पहुंचेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि हम किस होटल में स्टे कर पाते हैं। ग्राम पंचायत लोहारी से होकर अभी हम गुजर रहे हैं। यहां से मोयला टॉप ट्रैक के लिए भी कुछ लोग निकल जाते हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो और भी टूरिस्ट प्लेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस समय हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं। आपको आसपास यहाँ पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो जाती है। रास्ते अब यहाँ पे पहले से बहुत अच्छे बने हुए हैं। काफी ऊंचाई पर आ जाने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया है। अब यहाँ मौसम हमें कुछ ठंडा महसूस होने लगा है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं व्यूज एकदम बदलते चले जा रहे हैं। चकराता पहुंचने का यह सफर भी बहुत अच्छा है। रास्ते बहुत बेहतरीन बने हुए हैं और प्रकृति के नजारे तो उसके ऊपर चार चांद लगा ही रहे हैं। कहीं आपको एकदम से बादल देखने को मिल जाएंगे
तो कहीं आपको एकदम से ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे जिन पे बर्फ पड़ती है, जिस कारण उन पे पेड़ है ही नहीं। और थोड़ी ही दूरी पे आप देखेंगे तो आपको फिर ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम जिस जगह पर सफर कर रहे हैं उस जगह पर काफी देर से ऊंचे ऊंचे वृक्ष हमें देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि यह जगह काफी ऊंचाई पर है और यहाँ काफी बर्फबारी होती है, जिस वजह से यहाँ ज्यादा बड़े पेड़ हो ही नहीं पाते हैं। रास्ते तो आप देख ही रहे होंगे और एक बार यहाँ के नजारे भी आप देख लीजिए, कितने शानदार व्यूज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा मन हो रहा है कि जगह जगह रुकते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें, लेकिन दिक्कत यह है कि रास्ते यहाँ बहुत छोटे हैं, तो यहाँ हम गाड़ी पार्क करके हर जगह तो रुक नहीं सकते, तो इसलिए हम इस यात्रा को चलते चलते ही इंजॉय कर रहे हैं। एक कारण और है कि हम जगह जगह नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि हमने चक्राता में स्टे बुक किया है नहीं, और अभी हम ऑनलाइन जो भी होटल्स देखे हैं उनसे बात की है तो वो सभी ये बोल रहे हैं कि आज की बुकिंग्स हमारे यहाँ फुल हैं। तो अभी वहाँ पहुँच के और एक दो जगह हम ट्राई करेंगे, होटल अगर हमें मिला तो हम चक्राता रुकेंगे, नहीं तो फिर हम आगे सीधे देहरादून के लिए निकल जाएंगे और फिर कभी आने वाले समय में हम चक्राता विजिट करेंगे। अभी तो फिलहाल हम धीरे धीरे चक्राता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये शानदार व्यूज हम इंजॉय कर रहे हैं। काफी देर से है जनरेटर हमारे आगे आगे चल रहा है, क्योंकि सड़कें छोटी हैं तो हम आगे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पीछे की तरफ हमें साइड मिली तो हम उस जनरेटर को पीछे की तरफ क्रॉस करके आगे निकल आए हैं। और यहाँ के व्यूज भी आप देखिए, पहले व्यू से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी कहो, सफर में मजा तो आ रहा है। काफी ऊंचाई गेन करने के बाद अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे हरे वृक्ष भी हमें दिखाई देने लगे हैं। देखिए सामने दिखाई दे रही है रुकने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, लेकिन अभी हम आगे चलेंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि काफी समय हो गया है और हमें समय से चक्राता भी पहुंचना है। दोस्तों इस लोकेशन पे आके अभी हम रुक गए हैं और यहाँ के शानदार व्यूज रुक के हम इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है चक्राता, और चक्राता में एंटर करने से पहले ही यहाँ पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष फिर से दिखाई देने लगे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और देखिए यहाँ से व्यूज कैसे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है ये, इसलिए इस लोकेशन को एंजॉय करने के लिए यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। इस तरफ जो आप रोड देख रहे हैं ना, इसी तरफ से हम आए हैं कानासर की तरफ से। अभी इस लोकेशन पे हम रुके हुए हैं और इस तरफ हम चलेंगे चक्राता की तरफ। चक्राता यहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टाइगर फॉल लगभग यहाँ से 24 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चक्राता की तरफ। चक्राता में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। चक्राता एक कंटेनमेंट एरिया है और यहाँ से होके हम चक्राता में एंट्री कर रहे हैं। 2118 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चक्राता। काफी हाइट पे क्योंकि चक्राता बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे मौसम लगभग साल भर ही ठंडा रहता है। जाड़ों में यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है। दोस्तों चक्राता में हमें कोई होटल नहीं मिल पाया है जहां हम आज की रात रुक सकें, तो अब हमें सीधे देहरादून की तरफ निकलना होगा। फ्यूचर में फिर कभी हमें समय मिलेगा तो हम चक्राता की जर्नी दोबारा करेंगे और आपको भी दिखलाएंगे। दोस्तों आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह और नए वीडियो के साथ।
अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।